अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं और आपने DFHL यानी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के स्टॉक में पैसा लगा रखा है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल सोमवार से देश के प्रमुख एक्सचेंजों BSE और NSE में DFHL के शेयरों में कारोबार बंद हो जाएगा। ये कंपनी दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है। मामला नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT में है। DFHL को खरीदने के लिए पीरामल ग्रुप ने एक ऑफर दिया था। कानूनी भाषा में इसे रेजोल्यूशन प्लान दिया गया था। इस प्लान को NCLT ने मंजूरी दे दी है। DHFL के लिए पीरामल ग्रुप ने रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी के बीच बाजार जटिलताओं से बचने के लिए इस कदम को उठाया गया है। ट्रिब्यूनल ने 7 जून को इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दी थी। BSE और NSE ने अलग अलग सर्कुलर जारी कर कहा है कि वो 14 जून को DHFL के शेयरों में कारोबार बंद करेंगे। इस स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस 11 जून 2021 मानी जाएगी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT ने DHFL के लिए पीरामल ग्रुप के रिजोल्यूशन प्लान को लागू किए जाने तक कंपनी के मैनेजमेंट और कंट्रोल के लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है। कोर्ट ने क्रेडिटर्स की कमेटी से 2 सप्ताह के अंदर रिजोल्यूशन फंड्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर विचार करने को भी कहा है। NCLT ने कहा है कि कोर्ट के रिजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करने की तारीख यानी 6 जून से लागू करने की तारीख के बीच की अवधि में DHFL का मैनेजमेंट और कंट्रोल मॉनिटरिंग कमेटी के पास रहेगा। DHFL के लिए अप्रूव्ड रिजोल्यूशन प्लान के तहत कंपनी के इक्विटी शेयरों को शेयर बाजारों से हटाना होगा। पीरामल ग्रुप ने DHFL को खरीदने के लिए 37,250 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। इस ऑफर के तहत 12,700 करोड़ रुपए की रकम कैश अपफ्रंट दी जाएगी। इसमें कंपनी को लिस्टेड करना, इक्विटी को राइट्स ऑफ करना और कारोबार को पीरामल ग्रुप के साथ मर्ज करना शामिल है। पीरामल ग्रुप के इस ऑफर को RBI और CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से मंजूरी मिल चुकी है। NCLT ने दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही DHFL के लिए कुछ शर्तों के साथ पीरामल ग्रुप की बोली को अपनी मंजूरी दी है। आपको बता दें कि DHFL के स्टॉक को इस सप्ताह की शुरुआत में ट्रेडिंग की परमिशन दी गई थी। इसमें 10% की बढ़ोतरी करने की भी इजाजत दी गई थी। अकेले NSE पर 14 करोड़ शेयरों की ट्रेडिंग हुई और निवेशकों ने 8 जून को 9 करोड़ शेयरों की डिलीवरी भी ली। DHFL चौथी तिमाही में घाटे से मुनाफे में आ गई है। चौथी तिमाही में DHFL को 96.75 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। DHFL देश की पहली नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है।